बेनिफिशरीज और डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज शिवसेना जम्मू कश्मीर व डोगरा फ्रंट की तरफ से 17 तारीख पहला नवरात्रा माता वैष्णो देवी के लिए हर साल की तरह इस साल भी कठुआ में से पवित्र छड़ी यात्रा निकलेगी। और जैसे कि पिछले दिनों हमारी जो पवित्र छड़ी यात्रा जाती थी उसकी संख्या 28,000-30,000 की होती थी, लेकिन कोरोना की महामारी के कारण शिवसेना व डोगरा फ्रंट को 5,000 बंदे की परमिशन दी गई है श्राइन बोर्ड ने। और हमारे सभी जितने भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी हमारे शिवसेना के प्रमुख हैं इस बार वही पवित्र छड़ी यात्रा में शामिल होंगे, उनकी फैमिली और हमारे जो शिवसेना डोगरा फ्रंट के लोग ये शामिल होंगे। हम यहाँ से कठुआ से सुबह 9 बजे यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले जैसे कि हर साल की तरह छड़ी स्नान होगा माता आशा पूर्णी मंदिर के अंदर, उसके बाद सारे लोग छड़ी स्नान करवा के यहाँ पे आएंगे होटल तांगड़ी पैलेस में। यहाँ पे उनका सभी का खाने का प्रबंध और जिनका लोगों का फास्ट है फास्ट के लिए उनका खाने का प्रबंध, फलवार वगैरह मिलेगी यहाँ से। और यहाँ से हम सुबह 10 बजे से पहले हम जम्मू की ओर रवाना करेंगे। और जम्मू से सभी हमारे शिवसैनिक व डोगरा फ्रंट के जितने भी लोग सभी इकट्ठा होंगे, वहाँ से पूरा का पूरा जत्था पवित्र छड़ी और माता रानी की जोत को लेके माता रानी के चरणों के अंदर जाएंगे। वहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में ये जो महामारी फैली हुई है, हे माता रानी इस महामारी को रोके और सभी भक्तों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद। जय माता दी। बसें जा रही हैं, कितने लोग जा रहे हैं कठुआ से? हमारा कठुआ से यहाँ से 1200 लोग जाएंगे टोटल मिला के, जो भी हमारे 108 यूनिट हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट के, सभी प्रमुख वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जितने भी हमारे यहाँ पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिलावर बसोली बनी मानपुर कठुआ हीरानगर मढ़ीन तहसील, ये सारी तहसीलों में से जितने भी हमारे प्रमुख हैं वो प्लस उनकी फैमिली है, यहाँ से 1200 लोग जाएंगे। आम जनता नहीं जाएगी इस बार? आम जनता शिवसेना व डोगरा फ्रंट के साथ वो नहीं जाएगी, क्योंकि हमें 5,000 आदमी की ही परमिशन है। अगर हम सभी आम जनता को साथ में लेकर जाएंगे तो हमारा संख्या जो है वो 28,000 के करीब पहुँचेगी। पिछले साल हमारा जो है था यात्री था वो 28,000, जो एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट कहती है 28,000 था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंस प्लस जो 60 साल से ऊपर है उनको नहीं लेके जाएंगे, और हमारे जितने भी प्रमुख हैं और उनकी फैमिली है वो जाएंगे। जय माता दी। नमस्कार। आज हमारी शिवसेना व डोगरा फ्रंट की जो मीटिंग कॉल की है हमारे प्रधान साहब तांगड़ी जी ने, इन्होंने बताया कि हर साल की तरह हम इस बार भी माता वैष्णो देवी के लिए अपनी छड़ी 17 तारीख को लेके जा रहे हैं, मगर ये कोविड-19 की वजह से आज हम आम पब्लिक को नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें परमिशन जो है 5,000 तक ही है। और हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे जाएं, माता रानी का आशीर्वाद लें और हम माता रानी के आगे
अब विनती करें, माता रानी के आगे दोनों हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि जो हमारे देश में जो महामारी फैली हुई है, इसको इससे हमारे पूरे देश को बचाए और सुख शांति प्रदान करे और इससे हमारा देश आगे बढ़े। हम इस बार अपनी कठुआ से ही कम से कम 3,000 जो हमारे जुनंट के मुखिया हैं वो ही जा रहे हैं, आम पब्लिक को हम नहीं लेके जाएंगे। और हम 10 बजे जहां से रवाना होंगे 10 बजे जम्मू में जाएंगे और उसके बाद माता रानी का आशीर्वाद लेने के लिए गुफा में पहुंचेंगे। जय हिंद, जय भारत। जयकारो मलाटा वाली दरबार की जय। जयकारो मां पवना वाली दरबार की जय। जयकारो मां जोतां वाली दरबार की जय। दरबार की जय। दरबार की जय। दरबार की जय। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के मौका पर हमारे पुंछ में यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कार्यक्रम किया गया और इसमें जो हमारी मेरिटोरियस गर्ल्स थी जिन्होंने 12वीं कक्षा भी उत्तीर्ण की थी, उनको पास की थी, उनको अभी यहाँ पर जो इनामात थे वो तकसीम किया गया। इसमें हर बच्चे को जो हमारी टॉप 5 बच्चियाँ थीं उनको 10,000 रुपये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तरफ से दिए गए। इसी तरीके से हमारी जो यहाँ पर नर्सिंग मदर थी, जो न्यूली मदर्स जो बेबी चाइल्ड जिनका था, उनको भी यहाँ पर बेबी किट और ड्राई शीट्स दी गई। और इसके साथ साथ ये मैसेज भी दिया गया कि जो हमारा एक गवर्नमेंट का मैसेज है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कि हमने किस तरीके से बेटी और बच्चे और बच्चियों में भेदभाव नहीं करना है, बच्चे और बच्चियां दोनों बराबर होते हैं। हमने ये सोच अपने मन में अपने खुद के घर में भी लानी है और अपने आसपास अपने पास पड़ोस में भी यही सोच फैलानी है कि बच्चे और बच्चियां दोनों बराबर होते हैं, बच्चे और बच्चियों में कोई भेदभाव हमने नहीं करना है। बच्ची को भी जिस तरह से हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसी तरीके से बच्ची को भी पढ़ाना है, उसको भी बढ़ाना है, उसको भी वही मौके फराहम करने हैं। और ये यहाँ पर हमारी जो गर्ल्स चाइल्ड की परफॉर्मेंस में भी देखने को मिला कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की टॉपर थी इस बार 12th की, वो गर्ल चाइल्ड ही थी। सो इसी तरीके से 10th की जो हमारे टॉपर थे वो गर्ल चाइल्ड ही थे। तो वो ये देखने में हमें बिल्कुल साफ साफ देखने में मिलता है कि जहाँ जहाँ हमने बच्चे और बच्चियों को बराबर मौके फराहम किए हैं, बच्चियों ने बच्चों से बेहतर प्रदर्शन किया है। और यही सोच हमने अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने पास पड़ोस में ये सोच ही हमने लानी। तो हमारा ये सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड पे एक आज हमारा जो 11 अक्टूबर को ये दिन एक फैसिलिटेट करना था, इस सिलसिले में हमारे डी साहब ने और हमने ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर एक ब्लॉक में एक प्रोग्राम रहा, इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर भी एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम रखा था। इसी सिलसिले में हमने जो लड़कियाँ 12वीं क्लास में मेरिटोरियस स्टूडेंट आई थी फीमेल गर्ल चाइल्ड, उनको हमने यहाँ से फेलिसिटेट किया है थ्रू अवार्ड्स वगैरह, उनको 10,000 रुपया पर कैंडिडेट दिया है। और उसी सिलसिले में जो हमारी और भी बच्चियाँ थी जो 6 महीने से ऐसी माएँ थी जिनकी बच्चियाँ 6 महीने से कम थी, उनको भी हमने किया कि ताकि बच्चियों को बूस्ट किया जाए, उनको भी हमने एज ए बेबी किट या फैसिलिटेट किया है ताकि ये बच्चियों के और बच्चों में कोई भेदभाव ना रहे। पेरेंट्स ऐसे ना सोचे कि जहाँ बच्ची को अगर अवार्ड दिया जाता है वहाँ बच्चे को भी दिया जाता है। हम मोस्टली देखते हैं कि बच्चे हर फील्ड में निकले, लेकिन आजकल ऐसा टाइम आ गया कि बच्चे फील्ड में निकले, हम इनको ज़्यादा बूस्ट करना ताकि इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की जाए उसको दूर हो सके।